पाकिस्तान टीम जो हमेशा किसी ना किसी वजह से विवादों से जुड़ी रहती, कभी मैदान पर अपने प्रदर्शन से उनको आलोचना झेलना पड़ता है, तो कभी उनके किसी खिलाड़ी की वजह से विवाद खड़ा हो जाता है, तो कभी वो टूर्नामेंट में ऐसी डिमांड कर देते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम की किरकिरी हो जाती है। T20 वर्ल्ड कप के दौरान भी पाकिस्तान टीम ने कुछ अलग ही डिमांड कर दिया है। पाकिस्तान टीम को इस बार परेशानी टीम होटल को लेकर है, तो चलिए आपको बताते हैं क्या है पाकिस्तान टीम की नई परेशानी। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट टीम को न्यूयॉर्क के नेसो काउंटी स्टेडियम से लगभग 1.5 घंटे दूर होटल दिया गया है, और इस बात से PCB काफी नाराज है। PCB ने ICC तक इस मुद्दे को पहुंचा दिया है। PCB ने इस मुद्दे का बवाल ही खड़ा कर दिया है, और उसने ICC से भारतीय क्रिकेट टीम जैसी सुविधाओं की मांग की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम इंडिया का होटल स्टेडियम से 15 मिनट की दूरी पर है, और पाकिस्तान टीम भी चाहती है कि उनका होटल भी ग्राउंड के आसपास ही हो। रिपोर्ट्स की माने तो PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हस्तक्षेप के बाद ICC ने पाकिस्तान टीम की बात मान ली है, और नसाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम के पास एक होटल में पाक टीम को ठहराने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि पाकिस्तान टीम को नसाउ स्टेडियम में ही 9 जून को इंडिया के खिलाफ खेलना है, और 11 जून को पाकिस्तान को इसी स्टेडियम में कनाडा के खिलाफ अपना तीसरा मुकाबला खेलना है। टीम को तो टीम इंडिया से और ज्यादा परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि न्यूयॉर्क में तो टीम इंडिया ने वार्म अप मैच और आयरलैंड के खिलाफ मुकाबला भी खेल लिया है, ऐसे में इंडिया को ग्राउंड का अनुभव है। वहीं पाकिस्तान टीम की बात करें तो पाकिस्तान की टीम डेलस से न्यूयॉर्क जाएगी। पाकिस्तान टीम के वर्ल्ड कप अभियान की बात करें तो उन्हें अपना पहला मुकाबला US के खिलाफ खेलना है। ये मुकाबला इसलिए बेहद दिलचस्प है क्योंकि अमेरिका टीम गजब की फॉर्म में है। उसने पिछला मैच शानदार अंदाज में जीता, और T20 वर्ल्ड कप से पहले उसने बांग्लादेश को T20 सीरीज में भी मात दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान टीम किस तरीके से US के खिलाफ खेलती है, और क्या उनका होटल वाला विवाद खत्म होता है या नहीं।